हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेख अब्दुल अजीज़ है। मेरी उम्र 29 साल है। मेरी हाइट 5'5" है और मेरा जो वेट है 95 kg है। मैं इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो कि ये जो साइकिल है कितनी ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये जो साइकिल है इसका नाम है हरकुलिस स्ट्रॉन्ग HT। मैंने इसको बिग बिलियन डे में फ़्लिपकार्ट से परचेस किया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी डील मिली है। 5,350 रुपये की मुझे डील पड़ी है। ये साइकिल मैं कुरला में रहता हूँ और आप शायद जो साइकिल को जो चलाना जो साइकिल पसंद करते हो सकता हूँ उन्हें मालूम होगा। अपना बाबा हॉस्पिटल के पास गोल बिल्डिंग के टैक्सीमैन कॉलोनी के सामने बहुत बड़ी शोरूम है, बहुत बड़ा स्टोर है साइकिल का। वहाँ पे सेम ये साइकिल जो मेरे पास है, ये साइकिल का प्राइस शायद अपना 7,500 से 8,500 का था। मैं बताता हूँ मैंने ये साइकिल क्यों परचेस किया हूँ। आपको तो पता ही है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारी जो कंट्री है बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जॉब नहीं है और हमारी कंट्री में जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी काफ़ी कम हो चुकी है। मैं एक्चुअली मोबाइल फ़ोन प्रमोटर हूँ। मैं जो है तो अपना वीवो के तरफ से इनऑर्बिट मॉल में लगा था, बट नया नया ज्वाइन हुआ था तो उस वजह से जब लॉकडाउन लगा तो मेरी जो जॉब है वो छूट गई। अब बहुत लंबे टाइम तक मैं फ्री था, कुछ करता नहीं था, कुछ काम वगैरह नहीं था। बहुत जगह इंटरव्यू दिया बट मुझे कहीं भी मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि जॉब ही नहीं है। तो मैं सोचा कि क्यों ना यार, अभी फ़िलहाल पैसे भी इतना इन्वेस्ट नहीं करने का है बाइक पर 35-40,000, उससे अच्छा एक काम करो, अपना वज़न भी बैठे बैठे घर में बहुत ज़्यादा हो गया है तो साइकिल ले लेंगे, साइकिल पर पैसे भी कमा लेंगे और वज़न भी कम हो जाएगा। मैंने ये दो रीज़न से लिया हूँ। अब मैं बताता हूँ मैंने साइकिल इसलिए लिया हूँ कि मेरे दोस्त है शेख अरबाज करके और शेख रेहान करके, उन दोनों ने ना साइकिल लिए है और जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय लगे, डिलीवरी पार्टनर। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 13,000-14,000-15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोले भाई फ़िलहाल कहीं जॉब है नहीं तो तू जो है तो जोमेटो में या स्विगी में लग जा एज अ साइकिलर। तो मैं बोला ठीक है भाई। तो मैंने इसलिए ये साइकिल परचेस किया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तो कोई मिस्टेक हो तो उसे माफ़ करना और इग्नोर करना। अब मैं आता हूँ साइकिल पर। देखिए मुझे कुछ चीज़ इसमें अच्छी लगी है, कुछ चीज़ नहीं अच्छी लगी है। मेरा एक हफ्ते का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आता हूँ हैंडलिंग पर। हैंडलिंग कंट्रोल कैसा है? तो दोस्तों हैंडलिंग कंट्रोल बहुत अच्छा है। टायर की सरफेस भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है और ऑन रोड ऑफ रोड दोनों भी चल सकती है आराम से। मैं ट्रैफिक में चलाता हूँ, खुले रास्ते पे चलाता हूँ, हाईवे पे चलाता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडलिंग हो जाती है। तो हैंडल बार बहुत अच्छा है साइकिल का, काफ़ी स्टर्डी साइकिल है, बहुत अच्छी साइकिल है ऑन रोड ऑफ रोड दोनों चलाने के लिए। अब आते हैं इसके टायर पर। तो 26 इंच का टायर है, ठीक है। मुझे 26 इंच के टायर जो है तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी सही लगा, तो मैंने इसलिए 26 इंच का टायर लिया हूँ क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। तो टायर का ग्रिप भी बहुत अच्छा है, चौड़ाई भी अच्छी है, ऑन रोड ऑफ रोड आप लोग आसानी से लेके जा सकते हो। मेरा 95-96 अप्रॉक्स kg वेट है और ये साइकिल काफ़ी स्टडी है, मेरा आराम से वेट संभाल लेती है और मैं दिन में 3 किलोमीटर चलाता हूँ इंशाल्लाह। आज सैटरडे है, मंडे से मैं स्विगी वगैरह में सॉरी जोमेटो में लग जाऊँगा, मेरा सब हो चुका है। टायर काफ़ी अच्छा है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, साइकिल बहुत स्टर्डी लगती है और बहुत प्यारा लुक है साइकिल का। मैंने नियॉन कलर ख़ास तौर पर लिया हूँ, इसमें रेड अवेलेबल था बट मैंने रेड नहीं लिया, मुझे ये साइकिल का कलर बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये नियॉन कलर के लिया हूँ।
अभी मैं बात करता हूँ पीछे के टायर की, तो सेम पीछे का टायर का भी ग्रिप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चौड़ी है, टायर काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी अच्छे रबर का इस्तेमाल किया गया है। और हिंदुस्तान ब्रांड है साइकिल का, ब्रांड जो सॉरी जो टायर का जो ब्रांड है वो हिंदुस्तान करके ऐसा कोई ब्रांड है, उसका टायर बना हुआ है। सीट की बात करते हैं तो सीट जो है तो मैं लंबा चौड़ा हूँ माशाल्लाह, और मुझे जो साइकिल की जो सीट है तो मुझे बहुत ज़्यादा नैरो लगती है, बहुत पतली लगती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं साइकिल नहीं चला पाता हूँ क्योंकि मेरे लिए मुझे थोड़ी इसमें कंफर्टेबल कम लगता है। तो साइकिल की सीट ठीक है, कुशन भी ठीक है, बट थोड़ा चौड़ा होता ना तो हैवी जो लोग होते वो लोग आराम से लॉन्ग लंबे सफ़र के लिए जा सकते थे, बट जो सीट है बहुत ज़्यादा नैरो है और कंफर्टेबल मुझे फील नहीं होता इसमें, आधा घंटा चलाने के बाद तकलीफ़ होती है। तो साइकिल की जो सीट है तो मेरे हिसाब से थोड़ी सॉफ्ट होना था और थोड़ी चौड़ी होना था, बट ठीक है, ये इसके साथ स्टॉक मुझे सीट मिली तो ठीक है, मैं इसको बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। 18 या 19 इंच का फ्रेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेम है। मेरा बड़ा भाई 135 kg का है, उसने भी चलाया साइकिल, साइकिल में कोई क्रैकिंग कोई ऐसा फील नहीं होता कि भाई साइकिल वज़न नहीं संभाल पाएंगे, साइकिल वज़न संभाल लेती है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्टील का, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेम है, नो डाउट, बहुत अच्छा फ्रेम है। और इसका जो ये है ग्रिप हैंडल का, ये भी अच्छा है, काफ़ी काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है और हाथ भी ज़्यादा दर्द नहीं करते हैं। साइकिल की स्पीड भी 30-35 तक आती होगी। इसके जो पैडल है, पैडल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कई दफ़ा ऐसा करता हूँ कि मैं साइकिल अगर मुझे बैठने में अनकंफर्टेबल होता है तो मैं खड़े होकर साइकिल चलाता हूँ। मैं 95 kg वेट है तो भी ये पैडल जो है तो मेरा वेट आराम से उठा लेते हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका फ्रेम है जहाँ पैडल अटैच है, तो ओवरऑल इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है। साइकिल चलाने के टाइम हमारे जो पैर है वो आगे पीछे नहीं होते, एकदम चिपके हुए रहते हैं, तो पैडल भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेम भी पैडल से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीके से अटैच है, चैन भी काफ़ी अच्छी चलती है, अभी तक एक दफ़ा भी ये जो चैन है उतरी नहीं है। और वैसे ये साइकिल डिस्क ब्रेक वाली नहीं, ब्रेक वाली है, डिस्क नहीं है इसमें, ठीक है। ये मड गार्ड मुझे साथ में मिला है दोनों आगे पीछे के। अब मैं आता हूँ जो मुझे ये साइकिल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ख़राब लगी है, मतलब एकदम यूज़लेस, एकदम यूज़लेस। मैंने इसका रेटिंग देखा था फ्लिपकार्ट पे तो 3.2 इसकी रेटिंग थी इसकी ब्रेक की, इसकी जो ब्रेक है 3.2 रेटिंग थी, और लोग इसकी ब्रेक को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेटिंग दी और अच्छा समझ के 3.2 रेटिंग दिए, बट मैं सही बोलूँ ना यार, मैंने साइकिल चलाया हूँ बचपन में, अभी फ़िलहाल नहीं चलाता हूँ मगर मैं चलाया हूँ साइकिल बहुत दफ़ा। इसके ब्रेक सच में दोस्तों एकदम बेकार है। साइकिल में मुझे लुक बहुत अच्छा लगा, 5 में से, चलिए मैं बाद में हर चीज़ को रेटिंग दूंगा। इसका जो ब्रेक है ना इतना गंदा है, इतना गंदा है कि अगर मुझे, मैं समझ लो 30 की स्पीड में हूँ और मैं अगर ब्रेक मारता हूँ दोनों, तो भी इसका जो कम से कम ब्रेक 100 मीटर, 50 से 55 मीटर तक घसरते जाएगा, यानी इमरजेंसी ब्रेक का कोई वैल्यू ही नहीं, एकदम घटिया ब्रेक है। अगर ये साइकिल मुझे कोई चीज़ ख़राब लगी ना तो इसके ब्रेक, और सामने जो है तो ये अपना शॉक एब्जॉर्बर भी दिया हुआ है, मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, हो सकता है आपको पता होगा, शॉक एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर जो भी आपको पता होगा बता देना, शॉक एब्जॉर्बर है जो ठीक ठाक काम करते हैं, अच्छा काम करता है, ये भी ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा झटके वगैरह लगे ना अपने सफ़र में, अगर समझ लो मैं साइकिल चला रहा हूँ और हल्के फुल्के जो झटके लगते हैं तो ये थोड़ा
एग्जॉस्ट कर लेता है, तो ठीक है, ये भी डिसेंट है। अब मैं पूरी साइकिल के हर एक पार्ट, जो चार पांच पार्ट बताया हूँ, उसका बताता हूँ क्या क्या अच्छा लगा, क्या खा लगा। तो सबसे पहले हैंडल की बात करता हूँ। हैंडल मुझे इसका 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। कभी कभार थोड़ा हैंडल का जो शेप है ना, तो उससे थोड़े हाथ कभी कभार दर्द करते हैं, बट ठीक है, 5 में से 4 हैंडल को देता हूँ। फ्रेम 5 में से 5 दूंगा, बहुत अच्छा, बहुत स्टडी, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फ्रेम है। 8 या 9 इंच का फ्रेम है, आराम से 95-100 केजी के बंदे को उठा सकता है इसका फ्रेम ओवरऑल। तो 5 में से 5 दूंगा। इसकी कलर क्वालिटी की बात करूँ तो कलर क्वालिटी डिसेंट है, तो 3.5 ms को रेटिंग दूंगा, ठीक है। सीट की बात करूँ, सीट अच्छा है, सॉफ्ट है, हरकुलिस ब्रांडिंग का है, बट थोड़ा नैरो है। जो बंदा पतला दुबला हो, जिसका वज़न 65-70-75 होगा, तो उसके लिए हो सकता है ये कंफर्टेबल, बट मेरे जैसे हैवी बंदे के लिए कंफर्टेबल नहीं। 15-20 मिनट मैं साइकिल चलाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे उठना पड़ता है। तो 5 में से 2 रेटिंग मैं मेरे लिए दूंगा, बाकी हर किसी इंसान का अलग अलग प्रेफरेंस होगा, ठीक है। टायर की बात करता हूँ, टायर काफ़ी ड्यूरेबल है, हिंदुस्तान ब्रांड का टायर है, काफ़ी ड्यूरेबल टायर है और काफ़ी अच्छी ऑन रोड ऑफ रोड ग्रिप मिलती है। ये जो रेलिंग है, इसको क्या बोलते पता नहीं, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे है। तो टायर को 5 में से 4 दूंगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसको भी 5 में से 4 ही दूंगा। पैडलिंग जो है, तो पैडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा ग्रिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो भी इसको भी मैं 5 में से 4 ही दूंगा। अच्छा है काफ़ी, जो अटैचमेंट है ये जो फ्रेम का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो 5 में से 4 ही दूंगा। सामने का टायर भी बहुत अच्छा है, बट जो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ है वो ब्रेक है, जिसको मैं 5 में से अगर 1 से भी नीचे कुछ रहेगा तो वो दूंगा, फिर भी मैं 5 में से 1 दूंगा इसको, उसके ब्रेक को, जो एकदम नल्ला, एकदम बेकार क्वालिटी की ब्रेक है, एकदम घटिया। बस ये है मेरा इसका टोटल रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं इंशाल्लाह और भी थोड़े बहुत वीडियो लेके आऊँगा साइकिल के बारे में, जोमेटो के बारे में, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो, वरना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं और सिर्फ वीडियो डालते रहो तो फिर मतलब नहीं कुछ। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइकिल ओवरऑल मेरे हिसाब से 5 में से, मैं इसको ओवरऑल साइकिल को 5 में से 3.5 दूंगा, 4 भी नहीं दूंगा, 3.5 दूंगा। 5 में से 3.5 दूंगा ओवरऑल। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। बाय।